बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ द कोर्स ऑफ ईडीसी। इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू सी दैट व्हेन एवर वी शॉर्ट द गेट एंड ड्रेन ऑफ एनी मॉस्फेट ट्रांजिस्टर, व्हाट रेजिस्टेंस इट ऑफर्स एट द आउटपुट टर्मिनल। हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका गेट और ड्रेन शॉर्ट होता है, उसकी रेजिस्टेंस को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि बिकॉज वी हैव स्टडीड द करंट मिरर्स एंड वी सॉ दैट द मेन ट्रांजिस्टर Q1 वाज ऑफ दिस काइंड हुज गेट एंड ड्रेन वर शॉर्टेड टुगेदर। सो वी वांट टू सी व्हाट आउटपुट वी बेसिकली गेट व्हेन वी लुक इनटू द ड्रेन ऑफ दैट ट्रांजिस्टर। So first of all, what I have done, I have taken the small signal model of a basic MOSFET. MOSFET का मैंने small signal model ले लिया, और in the next step, what I have shown, I have connected the gate and drain of this MOSFET. मैंने इसके gate और drain को short करके दिखा दिया. Now what I have done, I am actually trying to see the resistance looking into the drain terminal. Drain terminal से देखने पे अब क्या resistance नजर आएगी अगर एक MOSFET का gate और drain आपस में shorted है. अच्छा, अब आप इसको जरा सा note करने की कोशिश करें कि this is the supply that I have applied on the drain terminal, क्योंकि मुझे drain पे देखना है कि क्या resistance नजर आ रही है. इसका जो current है वो Vx है. ऑल्दो ये पाथ आगे यहाँ वोल्टेज से शॉर्टेड है, यानी ऑल्दो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है, बट देर इज़ नो करंट ओवर हेयर. यहाँ पे आगे जाके ये चीज़ ओपन है, दैट इज़ वाई आई कैन से दैट देर इज़ नो करंट गोइंग इन दिस शॉर्ट पाथ. इस शॉर्ट पाथ के अंदर कोई करंट नहीं है. सो कैन आई से दैट इफ देर इज़ नो करंट गोइंग देयर, आई एक्स एंड जी एम वी जी एस आर द सेम करंट्स? तो यही मैंने दिखाया है कि आई एक्स और जी एम वी जी एस इन रियालिटी दे आर ऑफ सेम वैल्यू, ये बराबर है. सिमिलरली इफ आई ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पॉइंट अगेन, क्या मैं कह सकती हूँ कि ये पॉइंट गेट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये पॉइंट आके गेट से कनेक्टेड है. ठीक है, ये पॉइंट जो वी एक्स का पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू गेट. इसका मतलब है मैं कह सकती हूँ कि जो गेट का वोल्टेज है वो वी एक्स है, और सोर्स का वोल्टेज तो ग्राउंड है ही. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो गेट का वोल्टेज है VG, वही VGS भी होगा, और VG और VGS बराबर होंगे, और ये दोनों किसके बराबर हैं? ये VX के बराबर है, क्योंकि इन रियलिटी VX टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस गेट टर्मिनल. इसमें से मैं VX, अच्छा अब VGS जो है वो VX के बराबर आ गया, तो IX किसके बराबर आ जाएगा? GM इंटू VX के बराबर आ जाएगा. इससे VX ओवर IX आप निकाल सकेंगे, ये 1/GM के बराबर आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि व्हेन एवर वी लुक इनटू द ड्रेन टर्मिनल ऑफ अ ट्रांजिस्टर हुज गेट एंड ड्रेन हैव बीन शॉर्टेड, इट गिव्स अस अ रेजिस्टेंस ऑफ 1/GM एट द ड्रेन टर्मिनल. प्लीज नोट दैट 1/GM इज अ वेरी वेरी स्मॉलर रेजिस्टेंस इन रियलिटी, ये बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस होती है. तो इसका मतलब ये है कि अगर इस ट्रांजिस्टर के ड्रेन से झांके तो बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस नज़र आएगी, वेरी स्मॉल वैल्यू. ये रेजिस्टेंस जब कभी भी स्मॉल सिग्नल से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर इतना स्मॉल हो जाएगा कि आप उसको ज़ीरो ले सकते हैं. तो चाहे मैं ट्रांजिस्टर के ड्रेन से झांकूँ या ट्रांजिस्टर के गेट से झांकूं, क्योंकि गेट और ड्रेन तो शॉर्टेड ही है ना. ठीक है, चाहे मैं कहूं कि मैं ड्रेन से झांक रही हूं, चाहे मैं कहूं कि मैं गेट से झांक रही हूं, दोनों सिनेरियो में गेट और ड्रेन तो शॉर्टेड है. तो उस ट्रांजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है गेट या ड्रेन से झांकने पर इतनी स्मॉल नज़र आ रही होगी, और जब कभी भी सर्किट के स्मॉल सिग्नल से वो मल्टीप्लाई होगी, यानी आई स्मॉल करंट इनटू दिस आर से मल्टीप्लाई होगी, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज सिग्नल बनेगा वो इतना स्मॉल होगा दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज जीरो. ये चीज अभी हम नेक्स्ट सर्किट में यूज करेंगे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैस्कोड करंट मिरर. दिस इज एक्चुअली एन इम्प्रूव्ड करंट मिरर एज कम्पेयर टू द बेसिक करंट मिरर दैट वी स्टडीड. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू सी दैट इट विल बी ऑफरिंग द एडवांटेज ऑफ इंक्रीज आर आउट. If you can recall, I told you that we need high resistance or high output resistance from any current mirror because it also acts as a load for differential amplifiers. Therefore,
this current mirror will be providing us not only mirroring of the current, but at the same time it will be providing us improved R out. But at the same time it will be having a disadvantage of reduced voltage swing. R out we will be studying or discussing in this slide, but I will be discussing voltage swing for all the current mirrors at the end, right? अच्छा, ये एक इम्प्रूव करंट मिरर है जिसमें कि बेसिकली क्या किया गया कि स्टैक किया गया. स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरे को रखना. तो आउटपुट के ऊपर जो है वो Q2 के ऊपर Q3 एक और ट्रांजिस्टर को स्टैक किया गया ताकि जो है वो आर आउट को इंक्रीज किया जा सके. एट द सेम टाइम आई रेफरेंस और आई नॉट जो है वो एक दूसरे के साथ वैसे ही कैलकुलेट हो सकते हैं जैसे कि आपने प्रीवियस उसके अंदर किए थे कि आई आउट जो है विल बी द ड्रेन करंट ऑफ Q3 और आई रेफरेंस विल बी द ड्रेन करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q4. W/L रेशियो से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी. इसमें कोई चेंज ऐसा नहीं है. फॉर फाइंडिंग द आर आउट व्हाट वी डू कि हम आउटपुट वाला जो ब्रांच है उसको कंसिडर करेंगे जो कि यहाँ नज़र आ रहा है Q2 और Q3. Q2 और Q3 बेसिकली Q1 और Q4 के साथ इनका जो गेट टर्मिनल है वो जुड़ा हुआ है. और अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि जब कोई ड्रेन और गेट किसी ट्रांजिस्टर का शॉर्ट होता है तो उसके गेट टर्मिनल के ऊपर जो रेजिस्टेंस होती है वो इतनी स्मॉल होती है कि जब उसके साथ आप करंट को मल्टीप्लाई करते हैं I into R, तो फिर ये जो है यहाँ पे जो वोल्टेज सिग्नल पहुँचता है वो बहुत स्मॉलर वैल्यू का पहुँचता है. इस वजह से हमें बेसिकली Q3 और Q2 के जो गेट्स हैं इसको यहाँ पे ग्राउंड लिया है. और अगर किसी को ये 1/GM वाला रीज़न समझ में सपोज नहीं भी आ रहा तो जस्ट रिमेंबर ओनली कि जब हम आउटपुट नेटवर्क को यहाँ पे कंसिडर करते हैं इसका आर आउट फाइंड करने के लिए देन वी ऑलवेज ग्राउंड द गेट टर्मिनल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, Q3 और Q2 को यहाँ पर ले लिया और अब हमें देखना है कि अगर इस ड्रेन टर्मिनल से देखें तो इसकी कितनी रेजिस्टेंस नज़र आती है. मैं इसको बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी जब आप थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल कैस्कोड की तरह ही है. आप देखें कैस्कोड में यही होता था ना कि एक ट्रांजिस्टर ऊपर लगा होता था, एक ट्रांजिस्टर नीचे लगा हुआ होता था और हम उसके ड्रेन से झांक कर देखने की कोशिश करते थे कि उसकी रेजिस्टेंस क्या है. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू अ कैस्कोड कैस्कोड स्ट्रक्चर जो आप एनालिसिस कर चुके हैं. जब इसको कहा भी गया हुआ है इट इज़ अ कैस्कोड करंट मिरर. तो इसके ड्रेन से क्योंकि आपने रेजिस्टेंस देखनी है ड्रेन पे VX सप्लाई IX के साथ अप्लाई की गई. Q2 का पूरा कंप्लीट मॉडल बना दिया गया. कैसे बनाया, गेट पे और सोर्स के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है वो गेट पे आपने ग्राउंड दिखाया, सोर्स पे भी ग्राउंड दिखाया है. गेट और सोर्स को दोनों को ग्राउंड दिखाया. GM VGS इसकी सप्लाई है. इसका जो रेजिस्टेंस है R0 वो R02 है. प्लीज़ आई फॉरगॉट टू राइट द 2 इन द सब्सक्रिप्ट. अच्छा, इसके ऊपर ट्रांजिस्टर Q3 लगा हुआ है. Q3 का गेट ग्राउंडेड है, सोर्स इसका Q2 के ड्रेन से कनेक्टेड है. ये रहा Q3 का गेट, यहाँ पे कनेक्टेड है. इसका जो सोर्स है वो बेसिकली इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है ड्रेन से. GM3 VGS3 इसकी सप्लाई है और R03 इसकी रेजिस्टेंस है. अच्छा, एट द सेम टाइम मैंने चूज़ किया है कि IR03 इज़ द करंट ऑफ R03 एंड IR02 इज़ द करंट ऑफ रेजिस्टर R02. We can easily see that since both VG and VS are zero, that is why this source is actually nullified. ये ख़त्म हो चुकी है, ओपन सर्किट हो चुकी है because VGS is zero. तो इसका मतलब है ये सब कुछ इतना पोर्शन यहाँ पे, although it is drawn here, मैंने यहाँ बना दिया है, but actually in reality यहाँ ड्रेन के ऊपर यहाँ सोर्स के ऊपर सिर्फ एक R0 रेजिस्टेंस लगी है जो कि ग्राउंड है. ठीक है, अगर आप इस पोर्शन को नहीं भी बनाते हैं पेपर में तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये नहीं था. ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है. यहाँ सोर्स के ऊपर सिर्फ ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, दिस इज द रेजिस्टेंस. नाउ लेट अस ट्राई टू इवेल्युएट दिस सर्किट. मैंने क्या किया, हाँ मैंने इनफैक्ट यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करके बना भी दिया है. अब मैं क्या कह सकती हूँ कि IX करंट IR03 और GM VGS3 का सम होगा. बिल्कुल ऐसे ही होगा. इफ़ यू अप्लाई अ KCL ओवर हियर, आप लिख देंगे स्टेटमेंट के KCL अप्लाई कर रहे हैं, लेट दिस नोड बी नोड ए. IX IR03 प्लस GM VGS3 के बराबर है. अच्छा, यहाँ पे मजीद क्या मैं कह सकती हूँ कि VX वो वोल्टेज है जो इस टर्मिनल से लेकर ग्राउंड तक अपीयर हो रहा है. ऐसे ही है, VX इज द वोल्टेज अपीयरिंग एट दिस टर्मिनल टिल ग्राउंड.
तो देखिए यहाँ से लेके ग्राउंड तक में कौन सी दो रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक में कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है, एक रेजिस्टेंस आ रही है R03, एक आ रही है R02। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि Vx जो वोल्टेज है वो किन वोल्टेजेस का सम होगा, वो वोल्टेज R03 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसका सम होगा, एंड एट द सेम टाइम R02 के जो अक्रॉस वोल्टेज है वो उसका सम होगा, ठीक है ना? क्योंकि Vx वो वोल्टेज है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो Vx है इट विल बी द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस R03 एंड द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R02, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। तो मैंने अगले स्टेप में यही किया कि Vx को V वोल्टेज अक्रॉस R03 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R02 का सम दिया है, ठीक है? वोल्टेज अक्रॉस R03 कैसे कैलकुलेट हो सकता है? करंट थ्रू R03 मल्टीप्लाई बाय R03। वोल्टेज अक्रॉस R02 कैसे मिलेगा? करंट थ्रू R02 इंटू R02। एंड एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि GM VGS2 जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि VG और VS दोनों ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो आ गया। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि अगर IX करंट यहाँ आने के बाद इसमें और इस पार्ट में डिवाइड हो रहा है IX करंट, तो जब दोबारा आके यहाँ कंबाइन होता होगा तो वो कौन सा करंट होता होगा? तो फिर वो IX ही होता होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि IX करंट इस पॉइंट पे आके R03 में और GMVGS3 में डिवाइड हो रहा है, तो जब जाके दोबारा इनका करंट आगे कंबाइन होता होगा तो वो क्या होता होगा? R02 के अंदर जो करंट होता होगा वो बेसिकली IX ही होता होगा। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया कि IR02 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू IX। नाउ व्हाट यू सी, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट कि IX IR03 प्लस GM3VGS3 के बराबर है। इसमें से मैं IR03 निकाल लूँ। बेसिकली मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं करना ये चाह रही हूँ कि इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 की मदद से मैं इक्वेशन नंबर 1 को 1 के अंदर तमाम फैक्टर्स IX और VX की फॉर्म में लाना चाह रही हूँ, और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी सारे टर्म्स जो है वो मैं और IX और VX की मदद सबको इक्वेशन 3 को भी IX और VX की फॉर्म में लाके VX ओवर IX का रेशियो बनाना चाह रही हूँ, ठीक है? अब मैंने कहा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए देखिए VX की जो इक्वेशन है इसमें IR03 और IR02 इन दोनों को अगर मैं VX की फॉर्म में ले जाऊँ तो R03 तो खुद एक रेजिस्टेंस है, R02 एक रेजिस्टेंस है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समहाउ मुझे IR02 और IR03 को IX की फॉर्म में या VX की फॉर्म में लाना है, तो IR02 मेरे पास ऑलरेडी IX की फॉर्म में आ गया बिकॉज इट इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू IX। IR03 को मुझे कन्वर्ट करना होगा IX की फॉर्म में, तो सबसे पहले मैंने IR03 निकाल लिया IX माइनस GM3VGS3 इक्वेशन नंबर 1 से IR03 को निकाल लिया। अब मेरा अगला टास्क क्या है कि मैं किसी तरह से VGS3 को कन्वर्ट करना चाहूँगी इसकी फॉर्म में। VGS3 को मैं कन्वर्ट किसकी फॉर्म में करना चाहूँगी, IX की या VX की फॉर्म में? अच्छा, इसके लिए अब आपको क्या करना है, मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 के थ्रू मैंने क्या किया, मैंने ये जो IR03 की जो इक्वेशन फाइंड की थी मैंने इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दी है। मैंने क्या किया है, R03 इंटू ये क्या है IR03, IR03 करंट जो आपने भी यहाँ पे फाइंड किया है ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है IR03 IX माइनस GM3VGS3 इंटू R03 प्लस IX इंटू R02। एक्सपेंड द ब्रैकेट, IX R03 हो गया माइनस GM3VGS3 R03 हो गया प्लस IX R02 हो गया, यहाँ तक आप आ गए। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमें ये करना है कि हमें देखना है कि आया VGS3 जो है हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं। प्लीज नोट कि VGS3 असल में, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा इस वाले सर्किट को कि VGS3 क्या है। देखिए VGS3 इस टर्मिनल पे अपियर हो रहा है कहीं पे, VGS3 का नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है, ठीक है? और सबसे पहली बात ये याद रखें कि ये चीज़ रिमूव हुई भी है, ठीक है? इसको देख लें कि दिस पार्ट इज रिमूव्ड, VGS3 समवेयर इज अपियरिंग ऑन दिस लाइन जिसमें के
ये वाली जो लाइन है इस पे VGS 3 की नेगेटिव पोलैरिटी है और जो ग्राउंड साइड है वहाँ पे VGS 3 की पॉजिटिव पोलैरिटी है। जब मैंने बेसिकली इस पोर्शन को रिमूव किया तो नीचे क्या बच गया, आर नॉट टू बच गया, जो कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये रहा आर नॉट टू। अगले स्टेप में मैंने इस वाली चीज को यहाँ पर पलट के दिखाया। अब आप जरा देखें VGS 3 को मैंने पलट के कैसे दिखाया कि मैंने इस वाली लाइन के ऊपर जो कि ये थी जहाँ पे आर नॉट टू का टॉप था, ठीक है ना, ये लाइन ये सब सेम है, जहाँ पे आर नॉट टू का टॉप था बेसिकली उसकी जगह मैंने क्या किया है, मैंने VGS 3 का नेगेटिव साइन दिखाया, ये रहा, और जहाँ पे ग्राउंड था वहां पे मैंने VGS 3 का पॉजिटिव दिखाया। तो बेसिकली मैंने इस चीज को पलट के यहाँ पे बना दिया है, इट इज द सेम थिंग। और व्हाट यू कैन डू इज, आप अगला और क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ये जो VGS 3 है इसकी आप वैल्यू पुट कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाई हुई है, VG माइनस VS, VG 3 कितना है, VG 3 यहाँ पे है 0, और सोर्स वोल्टेज ऑफ 3 किसके बराबर होगा, यस सोर्स वोल्टेज ऑफ 3 इज एक्चुअली द वोल्टेज अपीयरिंग एट आर नॉट टू, वो क्या होगा, आर नॉट टू का वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज ऑफ 3 में कैसे निकाल सकती हूँ कि आर नॉट टू में जो करंट जा रहा है उसको आर नॉट टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा जो कि एक्चुअली सोर्स वोल्टेज ऑफ 3 है, वो क्या होगा, IX इंटू आर नॉट टू। तो अब अगले स्टेप में जब मैंने यहाँ पे VGS 3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया VG माइनस VS 3 से, तो VG आ गया 0 और सोर्स वोल्टेज आ गया आपका कितना, IX इंटू आर नॉट टू। तो अब मैंने क्या किया है, मेरे पास VGS 3 की वैल्यू आ गई माइनस IX इंटू आर नॉट टू, ठीक है, समझ में आ रही है ये क्या हुआ है, VGS 3 की जगह आ गया VGS की जगह आ गया, आई एम सॉरी, VGS 3 की जगह आ गया माइनस IX आर नॉट टू, ये वाली चीज़ पहले से IX आर नॉट टू थी। अब आप देख रहे हैं कि तमाम टर्म्स के अंदर IX का जो फैक्टर है वो इंक्लूड हो चुका है, टेक आउट IX कॉमन फ्रॉम एवरी टर्म, इसमें से भी ले लिया, इसमें से भी ले लिया, दिस इज द थिंग विच इज़ लेफ्ट इन साइड, VX ओवर IX का रेशियो बना लें, ये वो आर आउट है जो बेसिकली आपको चाहिए थी, द लेफ्ट ओवर थिंग इज द रेजिस्टेंस दैट यू सी बाय लुकिंग इनसाइड द ड्रेन टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर Q3, जिसमें से कि आर नॉट 3 और आर नॉट 2 इतने स्मॉलर हैं कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि GN3 इंटू आर नॉट 3 इंटू आर नॉट 2 सबसे हाईएस्ट वैल्यू की होगी और यही हमारा आंसर होगा। ये कैसे कह रहे हैं कि मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आर नॉट 3 5 किलो ओम है, आर नॉट 2 भी 5 किलो ओम है, तो ये क्या होगा, 5 किलो ओम इंटू 5 किलो ओम, ये 25 किलो ओम आ जाएगा, 25 किलो ओम में 5 किलो ओम 5 किलो ओम रफली रफली ऐड करें ना करें इट डजंट मैटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके करीब हुआ, तकरीबन GN3 R03 R02, ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया और ये इसका आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो गया। और इसको थोड़ा सा मैच कीजिएगा कैस्कोड के सर्किट से, कैस्कोड में भी जो आंसर आ रहा होता है वो इसी तरह से आ रहा होता है कि जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर होता है उसका GM भी आ रहा होता है, उसका R0 भी आ रहा होता है। कैस्कोड के सर्किट को जरा देखिएगा, ये रेजिस्टेंस क्या निकली, ये रेजिस्टेंस ये निकली कि जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है उसका GM भी आएगा आर आउटपुट के अंदर, उसका R0 भी आएगा, वो ये रहा, और जो नीचे वाला ट्रांजिस्टर है उसकी सिर्फ R02 की वैल्यू आएगी जो अप्रोक्सीमेटली आर आउट पे दिख रही होगी। तो दिस सर्किट इज एक्चुअली गिविंग अस मोर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द बेसिक कॉमन बेसिक करंट सोर्स सर्किट। When we have already seen this advantage and disadvantage of a cascode mirror, R out हमने calculate करना सीख लिया है, we will be discussing the voltage swing at the end of all the mirrors. Okay, this is another circuit which is called as a Wilson current mirror and it is also an improved current source. Advantage इसका यही है that it also offers the same high output resistance as that of the cascode circuit. जो कैस्कोड की रेजिस्टेंस की आर आउट की कैलकुलेशन थी एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन आप इसके आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए भी करेंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम इट आल्सो हैज़ अ सिमिलर डिसएडवांटेज ऑफ दैट एज दैट ऑफ द प्रीवियस सर्किट, उसमें भी यही था कि वोल्टेज स्विंग का मसला था, इसमें भी यही है, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द एंड।
हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर प्रॉब्लम थी वॉज दैट के पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर सेम पोटेंशियल एडजस्ट करना मुश्किल था सर्किट में। क्यों मुश्किल था? आप अज्यूम करें कि पॉइंट ए जो है वीडीडी वोल्टेज से कितना नीचे है, सिर्फ बीच में एक आई रेफरेंस जनरेट करने के लिए कोई करंट सोर्स लगी होगी, पॉइंट ए वीडीडी से सिर्फ इतना नीचे है, ये जो पॉइंट बी है ये वीडीडी से कितना नीचे है। यहाँ कोई एक सर्किट लगा हुआ होगा जिसके अंदर वीडीडी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई सर्किट लगने वाला है जिसके टॉप पे वीडीडी होगा, तो वीडीडी बीच में एक सर्किट, फिर बीच में एक ट्रांजिस्टर Q3, फिर पॉइंट बी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए वीडीडी से ज़्यादा नियर नज़र आ रहा है जबकि पॉइंट बी वीडीडी से थोड़ा सा ज़्यादा फार अवे नज़र आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे सेम वोल्टेज इस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा, और हम सेम वोल्टेज चाहते क्यों हैं कि आपको पता है कि इस बेसिक वाले जो सर्किट है इसका ऑपरेशन बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे Q1 और Q2 का जो ड्रेन वोल्टेज है वो रफली सेम हो, ताकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम करंट प्रोड्यूस कर रहे हों, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये Q1 का ए जो वोल्टेज है इट इज़ एक्चुअली द ड्रेन वोल्टेज ऑफ Q1, सो वी वॉन्ट बोथ दीज वोल्टेजेस टू बी सेम। तो इस सर्किट का जो स्ट्रक्चर जिसने भी प्रपोज किया था, उस स्ट्रक्चर में ए और बी के वोल्टेज को सिमिलर अचीव करना मुश्किल था। तो इसके बाद इम्प्रूव्ड विल्सन करंट मिरर प्रेजेंट किया गया। लेट अस सी इट्स स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द मॉडिफाइड विल्सन करंट मिरर वेयर यू कैन नाउ सी के अब इस वाले पार्ट के अंदर भी एक ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली ऐड कर दिया गया है। तो वी अज्यूम के वीडीडी, फिर एक सर्किट आई रेफरेंस का, फिर एक ट्रांजिस्टर, फिर यहाँ पे ऊपर कहीं वीडीडी होगी, एक सर्किट लगा हुआ होगा, फिर एक ट्रांजिस्टर और फिर ये वाला पॉइंट। तो अब ए और बी पॉइंट एक दूसरे के करीब अचीव करना जो है वो आसान होगा, क्योंकि वीडीडी से लेके पॉइंट ए और पॉइंट बी उतने ही दूर नज़र आ रहे हैं, यानी दोनों एक जैसे ही दूर नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ व्हाई इट विल बी इजी टू हैव सिमिलर वोल्टेजेस एट नोड्स ए एंड एट नोड बी। अच्छा, इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी सेम उसी तरह से कैलकुलेट होगी जैसे कि आपने कैलकुलेट की है कैस्कोड के लिए। तो अब आपके पास विल्सन मिरर, मॉडिफाइड विल्सन की और कैस्कोड की आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका एक ही आ गया। पेपर में हो सकता है कि आपसे इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो आप एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन करेंगे जो आपने कैस्कोड के लिए किया है, या विल्सन के लिए भी सेम ही करेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है वोल्टेज स्विंग का, अभी इसके बाद हम देखेंगे इसे। हाँ, वोल्टेज प्रॉब्लम जो विल्सन के अंदर आ रही थी सेम वोल्टेज नोड की, वो यहाँ रिजॉल्व हो गई है। दोनों का वीडीडी यहाँ कहीं ऊपर होगा, इसके बीच में यहाँ आई रेफरेंस का सर्किट है, यहाँ पे कोई एक्टिवेटेड सर्किट होगा आपका, फिर एक ट्रांजिस्टर, फिर नोड ए, फिर एक ट्रांजिस्टर, फिर नोड बी। तो ये दोनों रफली सेम पोटेंशियल पे इजीली पहुँच सकते होंगे, ठीक है। नाउ वी विल बी लुकिंग इनटू सम फर्दर थिंग्स। ओके, टू अंडरस्टैंड द वोल्टेज स्विंग लेट अस नाउ लुक एट दी सर्किट्स। ये मॉडिफाइड विल्सन का सर्किट है, ठीक है, और ये सिंपल करंट मिरर का सर्किट है। सबसे पहले बेसिकली हमें ये जहन में रखना चाहिए दैट ऑल द ट्रांजिस्टर्स ऑफ द करंट मिरर्स मस्ट बी इन सैचुरेशन, और सिमिलर टू द केस के एम्पलीफायर्स के लिए भी जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो मॉसफेट्स जो होते हैं वो सैचुरेशन में होते हैं, और एज अ करंट मिरर जब वो काम कर रहे होते हैं दे आर ऑल इन सैचुरेशन रीजन। अच्छा, अब हमें बेसिकली देखना यह है कि वोल्टेज स्विंग का क्या मतलब है। वोल्टेज स्विंग का आसान अल्फाज है मतलब यह है कि सिग्नल जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वैल्यू तक जा सकता है विदाउट ड्रॉइंग द ट्रांजिस्टर आउट ऑफ द सैचुरेशन रीजन। यानी कि किसी भी नोड के ऊपर वोल्टेज को वैरी करने का, यानी एसी सिग्नल के तौर पे वैरी करने का कितना चांस मौजूद है कि वो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन से बाहर ना निकाल ले। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि देखें, लेट अस ट्राई टू सी द वोल्टेज एट विच दिस Q3 ट्रांजिस्टर विल बी इन सैचुरेशन। Q3 ट्रांजिस्टर को अगर सैचुरेशन में होना है तो क्या वोल्टेज चाहिए होगा उसके ड्रेन पे? क्या मैं कह सकती हूँ कि Q3 उस वक्त सैचुरेशन में होगा जब VDS3 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा VGS3 माइनस VT के? ये देख, नॉर्मल ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन की इक्वेशन है, VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VT।
अब मैं जरा इसको इस सर्किट के पैरामीटर्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ कि VDS3 को मैं VD3 माइनस VS3 एक्सपेंड करके लिख लूँ, ये VGS माइनस VT एज इट इज रहा। सोर्स वोल्टेज ऑफ थ्री दरअसल बराबर है ड्रेन वोल्टेज ऑफ टू के या तो गेट वोल्टेज ऑफ टू के। ये बात समझ में आ रही है ऐसे क्यों कहा? क्योंकि ड्रेन वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज Q3 और Q2 के बराबर है और एट द सेम टाइम Q2 का गेट और ड्रेन वोल्टेज जो है वो आपस में शॉर्टेड भी है। तो मैंने लिख भी दिया है कि सोर्स वोल्टेज ऑफ थ्री दरअसल बराबर है 2 के ड्रेन वोल्टेज के और 2 के गेट वोल्टेज के, ऐसे ही यहाँ नज़र भी आ रहा है। इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का जो एंड सप्लाई है उस तक का वोल्टेज क्या है? क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? यहाँ का वोल्टेज होगा जो इस पॉइंट का वोल्टेज है कितना, माइनस VSS प्लस जो इतना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? इसके अक्रॉस वोल्टेज इस वक्त यहाँ और यहाँ के दरमियान वोल्टेज देखने के बजाय अभी अगर मैं देखूं कि तो पता चलेगा ये और ये शॉर्ट है, मैं यहाँ से यहाँ का वोल्टेज देख लूँ। दोबारा से देखें, बेसिकली VS3 को, जो VS3 है सोर्स वोल्टेज ऑफ 3, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज है, अब मैं VS3 की वैल्यू लिखना चाह रही हूँ जो कि बेसिकली बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज के। उसमें कौन कौन से वोल्टेजेस इंक्लूड होंगे? उसमें वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का तो इंक्लूड होगा, तो यहाँ तक का जो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है इसका क्या नाम है? इसका नाम है माइनस VSS। माइनस VSS यहाँ तक अपीयर हो रहा है, ठीक है। माइनस VSS के ऊपर यहाँ से यहाँ जो भी वोल्टेज होगा माइनस VSS का और इस वोल्टेज का सम मिला के बेसिकली यहाँ अपीयर हो रहा होगा, या इन अदर वर्ड्स माइनस VSS प्लस इस बीच में जो कुछ भी वोल्टेज है वो जो कुछ भी होगा वो इस पॉइंट पे अपीयर हो रहा होगा, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज है क्या मैं कह सकती हूँ कि वो दर हकीकत इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज है, इसलिए कि ये पॉइंट इसके साथ शॉर्ट है। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, या मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, दोनों बराबर हैं इसलिए कि गेट इज शॉर्टेड विद द ड्रेन। तो या तो मैं गेट टू सोर्स वोल्टेज बता दूं या तो मैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बता दूं, वो सेम होंगे, ये तो क्लियर ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का क्या नाम है? यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज का नाम है VGS, ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि बेसिकली ड्रेन वोल्टेज ऑफ 2 या जो सोर्स वोल्टेज ऑफ 3 है ये किसके बराबर है? ये VGS ऑफ 2 के बराबर है प्लस माइनस ऑफ VSS के बराबर है। तो ये VD2 किसके बराबर है? VGS ऑफ 2 के बराबर है माइनस ऑफ VSS, यानी कि ये जो वोल्टेज था यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर था? माइनस ऑफ VSS प्लस VGS2, ये इन दोनों के बराबर था। अगले स्टेप में मैं इस VD2 वोल्टेज को, जो कि VS3 वोल्टेज है, इसकी जगह यहाँ पुट करूँगी इक्वेशन 1 में। तो VD3 किसके बराबर हो गया? VGS3 माइनस VT तो एज इट इज रहा, VGS3 माइनस VT तो एज इट इज रहा। VS3 की वैल्यू बेसिकली मैं पुट करने वाली हूँ, उसकी जगह क्या पुट कर रही हूँ? ये माइनस ऑफ VSS प्लस VGS2, माइनस ऑफ VGS प्लस VGS2, ये मैंने पुट किया। नाउ प्लीज नोट कि अज्यूमिंग दैट के दोनों जो ट्रांजिस्टर्स, जो सारे ट्रांजिस्टर इस सर्किट में लगे हुए हैं, उन सबका VGS बराबर है, अज्यूमिंग, तो इस VGS की जगह क्या लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ VGS माइनस VT माइनस VSS। अब इस पूरी एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ? इस पूरी एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि माइनस VSS की जो भी वैल्यू है, इसका जो भी कोई एक आंसर निकला है, V0 की वैल्यू को जो इतना भी ये आंसर निकल रहा है उससे ग्रेटर होना चाहिए हर हाल में, ताकि Q3 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन से बाहर ना निकल जाए। Q3 हाईएस्ट ट्रांजिस्टर, टॉप नोड पे लगा हुआ ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन से कैसे अपना मेंटेन कर सकता है कि उसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर रहे या इससे बड़ा रहे, इससे कम ना जाए, तब ये Q3 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रहेगा। इसी तरह की एक सिचुएशन सिंपल करंट मिरर के अंदर भी आती है। सिंपल करंट मिरर के अंदर आउटपुट पे जो मेन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q2 है, इसको सैचुरेशन में रहने के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत है? तो मैंने इसके लिए भी सैचुरेशन की कंडीशन लिख दी, VDS2 शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VT, और इसके भी VDS2 को मैंने VD माइनस VS लिख दिया, VGS माइनस VT एज इट इज रहा। इसका VS2 अगले स्टेप में मैं इस साइड पर ले गई, प्लस हो गया ये VD2। ये VD2 क्या बता रहा है? बेसिकली
ड्रेन वोल्टेज ऑफ टू को बता रहा है, जो कि बेसिकली वी नॉट के बराबर है, वी डी टू। ये वी डी टू कितना बड़ा रहना चाहिए। यहाँ सोर्स वोल्टेज ऑफ टू किसके बराबर है, सोर्स वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर टू यहाँ बराबर है माइनस ऑफ वी एस एस के, मैंने इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। तो अब मुझे पता चल रहा है कि सिंपल करंट मिरर के अंदर जो आउटपुट टर्मिनल है वो जब तक के इस वोल्टेज से ज़्यादा बड़ा या इस वोल्टेज के बराबर होगा तो ये Q2 ट्रांजिस्टर अपना सैचुरेशन रीजन मेंटेन रखेगा इन सिंपल करंट मिरर। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ज़्यादा कौन सा इनमें से, ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। इसमें 2 VGS माइनस VT, अज्यूमिंग के सबके VGS और VT और VSS बराबर हैं, दोनों के अंदर के जो VGS VT बराबर हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वोल्टेज ज़्यादा बड़ा है और ये वोल्टेज कम बड़ा है, क्या मैं ये कह सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि इस वोल्टेज के ज़्यादा बड़ा होने से और सिंपल वाले के ड्रेन वोल्टेज के कम होने से स्विंग पे क्या असर पड़ रहा है, स्विंग है क्या चीज़। लेट अस सी दिस। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट वोल्टेज स्विंग इज। सबसे पहला काम ये कि देखें, हम वोल्टेज स्विंग को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। वोल्टेज स्विंग को हम डिस्कस इसलिए कर रहे थे कि ये जो करंट सोर्सेज आप स्टडी कर रहे हैं ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर में लोड रेजिस्टर के तौर पे कनेक्ट होने वाली हैं। जब ये एम्पलीफायर का लोड रेजिस्टर बनने वाली हैं तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीफायर में जो AC सिग्नल होता होगा वो कहीं ना कहीं इनके टर्मिनल्स पर भी तो अपीयर करता होगा। तो अब बेसिकली मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जब कभी भी ये जो सोर्सेज हैं, ये जो करंट सोर्सेज हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का लोड अगर बनती हैं तो ये जो वोल्टेज गेन ये आर आउट तो हाई देती हैं लेकिन वोल्टेज के स्विंग को कम कर देती हैं। वोल्टेज के स्विंग को कैसे कम करती हैं कि जब इनके ऊपर, इनके इस टर्मिनल के ऊपर AC सिग्नल पहुँचता है, आउटपुट टर्मिनल तो ये है ना, जब इनके इस टर्मिनल के ऊपर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हुए AC सिग्नल पहुंचता है तो इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज की खास रिक्वायरमेंट से सिग्नल का स्विंग चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होता है, स्विंग का मतलब ये होता है कि किसी भी टर्मिनल के ऊपर अगर सिग्नल मौजूद है तो उसका कोई एक रेफरेंस लेवल होता होगा। सर्किट के अंदर कोई भी सिग्नल जो कि AC हो वो मैक्सिमम जा सकता है VDD लेवल तक और वो मिनिमम जा सकता है माइनस VSS सप्लाई के लेवल तक। VDD से ज़्यादा सिग्नल नहीं जा सकता, VSS से कम नहीं जा सकता। सर्किट के अंदर सिग्नल का स्विंग VDD से कम हो सकता है VSS से, यानी कि इस तरफ हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम VDD और मिनिमम माइनस VSS होते हैं। अच्छा, अब ये मैक्सिमम सिग्नल स्विंग दिखा रहा है इस वक्त कि जो सिग्नल था आपका प्लस VDD तक भी चला गया, माइनस VSS तक चला गया। दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम सिग्नल स्विंग, कि सिग्नल को स्विंग करने की, वैरी करने की मैक्सिमम रेंज अवेलेबल है कि वो प्लस VDD और माइनस VSS तक जा सकता है। आपने भी ये पढ़ा है कि सिंपल करंट सोर्स के अंदर जो V0 होता है, अभी हमने फाइंड किया है प्रीवियस स्लाइड में कि सिंपल करंट सोर्स में सैचुरेशन के लिए जो V0 वैल्यू थी वो लो थी, कोई लो वोल्टेज आ रहा था। और हमने भी ये भी पढ़ा है कि जो ये वाला करंट सोर्स है मॉडिफाइड विल्सन, इसके अंदर जो V0 की वैल्यू थी सैचुरेशन में रहने के लिए उसकी कोई लार्ज वैल्यू आ रही थी, वो मैंने इस एक्सिस पे दिखाया है। मैंने ये दिखाया क्या है, ये मैंने वाई एक्सिस दिखाया है जो कि वोल्टेज शो कर रहा है, ये भी वोल्टेज शो कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मैं अज्यूम करी हूँ चाहे विल्सन मिरर हो या सिंपल करंट मिरर हो, दोनों के मैक्सिमम वैल्यू VDD बराबर है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ। दूसरी लाइन मैंने जो बनाई हुई है डॉटेड, वो मैंने क्या दिखाया है, वो मैंने ये दिखाया है कि सिंपल करंट सोर्स अगर इसका ड्रेन वोल्टेज या इसके V0 का जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से नीचे जाएगा तो MOSFET सैचुरेशन से बाहर आ जाएगा। और ये जो वैल्यू दिखाई है सिंपल करंट सोर्स की, ये मैंने वैल्यू थोड़ी कम दिखाई है। कैस्कोड करंट सोर्स में भी मैंने दिखाया है कि सिग्नल मैक्सिमम VDD तक जा सकता है। डॉटेड लाइन वही वोल्टेज दिखाया है कि जिस वोल्टेज के ऊपर जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन अपना मेंटेन करेगा, अगर इससे कम चले जाएंगे तो सैचुरेशन से ट्रांजिस्टर बाहर आ जाएगा। इसकी डॉटेड लाइन और इसकी डॉटेड लाइन में फ़र्क दिखाया है, इसकी डॉटेड लाइन हायर वोल्टेज पर दिखाई है, इसकी डॉटेड लाइन मैंने लोअर वोल्टेज पर दिखाई है जब थोड़ी नीचे है।
अब सिग्नल कोई भी आएगा तो वो इस रेंज के अंदर ही स्विंग कर सकता है। इससे नीचे अगर जाके उसने स्विंग करने की कोशिश की तो वो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन से बाहर निकाल देगा। ठीक है, सिग्नल जो आएगा वो इस रेंज के अंदर स्विंग करेगा, क्योंकि अगर वो इससे बाहर जाके स्विंग करेगा तो सैचुरेशन से निकाल देगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे सिग्नल को ज़्यादा स्विंग करने की जगह अवेलेबल है या यहाँ पे सिग्नल को ज़्यादा स्विंग करने की जगह अवेलेबल है। सिग्नल को स्विंग करने की जगह ज़्यादा अवेलेबल वहाँ है जहाँ वी नॉट की वैल्यू थी लो, और सिग्नल को स्विंग करने की जगह कम अवेलेबल वहाँ पर है जहाँ वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट सैचुरेशन की वैल्यू थी ज़्यादा, यानी कि जो कि इस वाले के अंदर कैस्कोड का वी नॉट जो था वो ज़्यादा आया था और सिंपल वाले का जो वी नॉट था वो कम आया था। तो अब आप ये देखें कि सिग्नल स्विंग कम किस में है, कैस्कोड वाले में सिग्नल को स्विंग करने की स्पेस कम है, सिंपल वाले करंट सोर्स में सिग्नल को स्विंग करने की स्पेस ज़्यादा है। तो अब मैं सिर्फ एक लाइन जो मैंने लिखी थी कि वोल्टेज स्विंग जो है वो करंट मिरर का, आई मीन मॉडिफाइड विल्सन का या कैस्कोड वाले का वोल्टेज स्विंग कम होता है, उस पूरी सिर्फ एक लाइन के लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन अब आपको दी है कि स्विंग होता क्या है। अब हमें ये पता चला कि स्विंग सिग्नल की वेरिएशन का नाम है बिटवीन टू हायर एंड लोअर वोल्टेजेस विदाउट ड्रॉइंग द ट्रांजिस्टर आउट ऑफ द सैचुरेशन, ये हमने देखा। और हमें अब ये पता चल रहा है कि वो ट्रांजिस्टर जो कि कैस्कोड होगा उसके ये वाली जो लोअर वाली लाइन है वो बहुत ज़्यादा हायर वोल्टेज की तरफ होगी, जब ही वो VDD के इतने करीब पहुँच चुकी होगी कि सिग्नल को स्विंग करने की जगह कम से कम मिल रही होगी। जबकि जो सिंपल करंट सोर्स है उसके जो वी नॉट की जो लाइन है वो थोड़े लोअर वोल्टेज पे होगी, सिग्नल ये VDD से थोड़ी ये वाली लाइन ज़्यादा दूर होगी, सिग्नल को स्विंग करने की ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो अब हमें पता चल रहा है कि जितनी स्टैकिंग हम ट्रांजिस्टर्स की कर रहे होते हैं, एक ट्रांजिस्टर के ऊपर दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया, दूसरे के ऊपर तीसरा लगाया, तीसरे के ऊपर चौथा, तो स्टैकिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑल्दो आर आउट की वैल्यू को बढ़ा तो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर ट्रांजिस्टर जितने ऐड होते चले जा रहे हैं उनकी रेजिस्टेंस सीरीज मतलब वर्टिकली बढ़ती चली जा रही है। यहां से देखने से आर आउट तो मुझे ज्यादा नजर आया था, लेकिन एट द सेम टाइम जब ट्रांजिस्टर हम दो एक साथ लगाते हैं तो उस ट्रांजिस्टर के ड्रेन पे जो वोल्टेज होता है, जो कि मिनिमम वोल्टेज जो इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में रखे उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होती है, जैसे कि यहां नजर आ रही है बढ़ी हुई, जबकि जो सिंपल करंट सोर्स था उसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर नजर आया था, उसके जो ड्रेन का वोल्टेज था वो कम था सैचुरेशन के लिए, क्योंकि ज़ाहिर वो सिर्फ एक ट्रांजिस्टर था। तो जितनी स्टैकिंग करते चले जाते हैं ये जो DC वोल्टेज का लेवल है जो कि ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में रखता है, ये अप एंड अप एंड अप VDD के करीब तरीन पहुंचता जाता है, जिससे कि सिग्नल को स्विंग करने की सलाहियत कम से कम हो जाती है। तो अब अगर आपके पास वोल्टेज स्विंग को एक्सप्लेन करने आएगा तो आप प्रीवियस वाली स्लाइड को और इस वाली स्लाइड की जो डायग्राम्स हैं इनकी वजह से वोल्टेज स्विंग को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली वोल्टेज स्विंग एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज स्विंग बिटवीन दैट ऑफ अ सिंपल करंट सोर्स एंड दैट ऑफ अ कैस्कोड करंट सोर्स। नाउ आफ्टर दिस वी आर स्टार्टिंग विथ BJT करंट मिरर्स। सबसे पहले हम डायोड कनेक्टेड BJTs को देखेंगे। दो तरह के डायोड कनेक्टेड BJTs हो सकते हैं, NPN भी हो सकता है, PNP भी। जब आप BJT के बेस को जॉइन कर दें उसके कलेक्टर से, इट फॉर्म्स आ डायोड कनेक्टेड BJT, या PNP में भी किसी के बेस को उसके कलेक्टर से शॉर्ट कर दें तो ये डायोड कनेक्टेड BJT बन जाता है। अच्छा, इस केस में अगर ये करंट I है जो कि एमिटर करंट है, ये करंट क्या होगा, ये आपका कलेक्टर का करंट होगा, ये करंट आपका बेस करंट होगा। बेस करंट और एमिटर करंट में क्या रिलेशन होता है, IE1 प्लस बीटा IB के बराबर होता है, IE1 प्लस बीटा IB के बराबर होता है। तो IB क्या हो जाएगा, IE/1 प्लस बीटा हो जाएगा। अगर एमिटर करंट I है तो बेस करंट क्या होगा, अगर एमिटर करंट I है तो बेस करंट क्या होगा, IE/1 प्लस बीटा। यही IE/1 प्लस बीटा आपको नज़र आ रहा है बेस पे लिखा हुआ। कलेक्टर करंट क्या होगा, IC बराबर है बीटा टाइम्स IB के। IB करंट क्या है, IE/1 प्लस बीटा, वो ये रहा IE/1 प्लस बीटा यहाँ लिखा हुआ है, और बीटा कहाँ से आ गया, बीटा IB का, ये बीटा ये रहा। तो अब मुझे बेसिकली यहाँ पे नज़र आ रहा है कलेक्टर पे बीटा IB। प्लीज़ नोट कि ये करंट कलेक्टर करंट नहीं है, डायरेक्ट ऑन द कलेक्टर इज द कलेक्टर करंट। अगर मैं इस पॉइंट पे KCL लगाऊंगी तो यहाँ पे जो आने वाला करंट होगा
वो किसके बराबर होगा, बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, बीटा आई ओवर वन प्लस बीटा प्लस आई ओवर वन प्लस बीटा। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपके पास करंट क्या आ रहा होगा, आई आ रहा होगा। यानी कि इस पॉइंट पर भी एमिटर करंट फ्लो हो रहा होगा और इस पॉइंट पर भी एमिटर करंट फ्लो हो रहा होगा, कलेक्टर करंट यहाँ होगा, बेस करंट यहाँ होगा। बिल्कुल पीएनपी के लिए भी यही चीज़ वैलिड है कि पीएनपी का एमिटर है ये टर्मिनल आई, इसके कलेक्टर के ऊपर यही करंट होगा बी आई ओवर वन प्लस बीटा, आई ओवर वन प्लस बीटा, इसका बेस करंट यही होगा आई ओवर वन प्लस बीटा। और अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर केसीएल लगाऊंगी, ये बेसिकली क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है इसका, केसीएल लगाऊंगी तो आई ओवर वन प्लस बीटा, बीटा आई ओवर वन प्लस बीटा मिला के फिर से आई करंट यानी एमिटर करंट ही बना रहे होंगे। इस तरह के बीजेटी में कलेक्टर और बेस के शॉर्ट हो जाने को डायोड कनेक्टेड बीजेटी इसलिए कहा गया कि जब हमने वो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रखा और वाई एक्सिस पे करंट को रखा, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आप डायोड कनेक्टेड कह रहे हैं और इनके करंट्स को किस तरह से निकालना है, अदरवाइज इसमें कोई बहुत टिपिकल मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको डायोड कनेक्टेड का नाम इसलिए दिया गया कि जब आपने इसका एमिटर करंट वर्सेस बेस टू एमिटर वोल्टेज प्लॉट किया तो इसने बिल्कुल डायोड के कर्व को फॉलो किया, डायोड का ग्राफ भी तो ऐसे ही होता था ना, तो दैट इज़ वाई इस वाले बीजेटी को डायोड कनेक्टेड बीजेटी का नाम दिया गया।